हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा वीडियो है क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम का मापन। मापन का इससे पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया वो आप सब लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से लर्न कर लिया होगा। मैंने बोला था आपको कि आप उसके सभी जो विमी सूत्र हैं, कम से कम शुरू के 20 से 30 के बीच उनको आप याद कर लीजिए। फिर मैंने बोला था आपको कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके अनुप्रयोग। तो आज हम पढ़ेंगे विमी सूत्र के अनुप्रयोग। देखिए, जो ये विमी सूत्र का अनुप्रयोग है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहीं से आपको समझ में आएगा कि जो विमी सूत्र हम पढ़े हैं वो किस काम आता है, विमी सूत्र हमारे किस काम आता है, यहाँ से आपको समझ में आएगा एप्लीकेशन और उसका अनुप्रयोग। तो विमी सूत्र के चार अनुप्रयोग हैं, चारों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको 100% ये आपके स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट है। तो हम दोनों को ध्यान में रख के इसकी पढ़ाई करेंगे। बाद में जब मैं न्यूमेरिकल्स का वीडियो आप मेरा देखेंगे तो न्यूमेरिकल्स की वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट आपको काम आएंगे। तो पहला इसका अनुप्रयोग है भौतिक समीकरण, भौतिकी के जो समीकरण हैं जिसको कि हम क्या कहते हैं सूत्र, जो फार्मूला है, उनकी शुद्धता का जांच करना, की शुद्धता की जांच। शुद्धता की जांच या उसकी सत्यता की जांच करना, इसका मतलब क्या हुआ? भौतिकी समीकरण, भौतिकी में जो हम समीकरण यूज़ करते हैं जिसको हमको सूत्र कहते हैं, हम बहुत सारे सूत्र फिजिक्स में पढ़ते हैं और यदि हमको जानना है कि वो सूत्र सही है कि नहीं, कि वो गलत है, इस बात का चेक हम इससे कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए एक उदाहरण लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास कोई भौतिक का सूत्र है जो आपको पहले से पता है, एस इक्वल यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। ये आप जानते हैं, ये आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। यह गति का द्वितीय समीकरण है, आगे आप फिजिक्स के चैप्टर में आगे आप इसको पढ़ेंगे। यह गति का द्वितीय समीकरण है और हमको यहाँ पर जानना है कि ये सही है कि नहीं। तो इसका सीधा सीधा मेथड होता है, इसमें जितनी भौतिक राशियाँ उपयोग की गई हैं वो सभी भौतिक राशियों का आप क्या लिख लीजिए, विमी सूत्र लिख लीजिए। तो यहाँ पर एस, एस एस क्या है, लंबाई है, विस्थापन जो कि लंबाई है, एस की विमा। यदि हम एस की विमा लिख लें तो एस की विमा क्या हो जाएगा, लंबाई है तो एल या एम का घात जीरो करके भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, पूरा आपको लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, एम का घात जीरो एल टी का घात जीरो, ये हो गया। इसके बाद यू, यू क्या है, वेग, ये प्रारंभिक वेग होता है, तो यू वेग की विमा। अब इसकी विमा लिख लेंगे हम, तय हो जाएगा, ये सब आपको याद रखना चाहिए, एम का घात जीरो एल टी का घात माइनस वन। इसीलिए मैं इसको याद करने बोला, जैसे आपको विमी सूत्र याद नहीं है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे। इसके बाद भौतिक राशि आता है टी, तो टी क्या है, समय है, तो समय की विमा, इसकी विमा हम लिख लेते हैं, तो समय की विमा क्या है, अपने को पता है, एम का घात जीरो एल का घात जीरो और टी। इसके बाद 1/2, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की विमा नहीं होता, ये है त्वरण, तो ए जो कि क्या है, त्वरण है। बहुत आसान है ये, बस आपको सबकी विमा याद होना चाहिए। तो इसकी विमा लिख लेंगे हम, तो त्वरण की विमा क्या होता है, एम का घात जीरो एल टी का घात माइनस टू। तो पहला काम क्या हमने बताया, जिस सूत्र के हमको शुद्धता या सत्यता की जांच करना है उसमें जितनी भौतिक राशियों का उपयोग किया गया है उन सभी भौतिक राशियों का आप क्या लिख लीजिए, विमा लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद देखिए, इसमें दो पक्ष है, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो सबसे पहले आप बायां पक्ष की विमा निकाल लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड की विमा। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की विमा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एस है, और एस की विमा क्या है अपने पास, ये हमने निकाल के रखा हुआ है, तो ये लिख दिया एम जीरो एल और टी जीरो, इसको दे दिए रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद राइट हैंड साइड में उसकी विमा निकाल लेते हैं,
राइट हैंड साइड माने दाएं पक्ष की बीमा, तो इसकी बीमा निकालने के लिए हम इसमें जितनी भौतिक राशियों का उपयोग किया गया है सब का हम मान भरते जाते हैं। सबसे पहले देखें U, U की बीमा क्या है, ये तो वो लिख लिए एम जीरो एल टी का घात ऋण एक, ये हो गया U। इसके साथ गुणा है T का, तो T समय का गुणा कर देंगे अपन, एम जीरो एल जीरो टी ये समय की बीमा है, और प्लस तो प्लस का निशान लगा दिए, 1/2 को लिख लिए, और त्वरण की बीमा एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, और उसके बाद फिर समय का स्क्वायर एम जीरो एल जीरो टी और इसका स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। तो राइट हैंड साइड में सभी भौतिक राशियों के बीमा को हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दैट इक्वल देखो इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो m का गुणा m के साथ होगा घातांक नियम से, तो घात आपस में जुड़ेंगे तो 0+0 0 ही होगा, तो ये हो गया m का घात 0। इसके बाद l, l का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो 0 के साथ 1 ऐड होगा तो 1 हो गया, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी दिए। इसके बाद t की बीमा देखो, यहाँ -1 है और यहाँ पर 1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, ये हो गया प्लस 1/2। ऐसे ही गुणा यहाँ पर भी कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए एम का घात यहाँ 0 है, यहाँ 0 का वर्ग का मतलब 0 ही होगा, तो एम का घात 0 हो जाएगा। इसके बाद एल, तो यहाँ पर देखिए एल है और यहाँ पर एल का घात 0, तो एल ही रहेगा, दोनों ऐड होंगे तो। और टी का घात यहाँ पर -2 यहाँ पर +2, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी हो गया 0, दैट इक्वल। अब आप देखिए ये इसके बराबर है, एम का घात 0 एल टी का घात 0 ये भी, तो दोनों जुड़ेंगे, ये 1 है ये 1/2 है, तो एक में 1/2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 3/2, तो 3/2 एम टू दी पावर 0 एल टू दी पावर 0। और 3/2 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई बीमा नहीं होती, इसको हम हटा सकते हैं, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा एम का घात 0 एल टी का घात 0 रिलेशन नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा है वह ये है, और राइट हैंड साइड की बीमा, राइट हैंड की साइड की बीमा ये है, तो लेफ्ट हैंड साइड की बीमा जब राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होगा तो हमारा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड की बीमा और राइट हैंड साइड की बीमा दोनों बराबर है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे चूँकि एल एच एस की बीमा इक्वल टू आर एच एस की बीमा, दोनों आपस में बराबर हैं, अतः समीकरण क्या है, अतः समीकरण शुद्ध है, ऐसा लिख देंगे। तो बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। आपको कोई भी डाउटफुल इक्वेशन है, सपोज आपके पास कोई भी किसी भी समीकरण पर आपको क्या है शंका है कि ये सही है कि नहीं है, तो आप बहुत आसानी से विमी सूत्र की सहायता से उसकी जाँच कर सकते हैं। यदि बाएँ पक्ष की बीमा दाएँ पक्ष की बीमा के बराबर हो जाए तो हम उसको सही मानेंगे, और यदि दोनों बराबर नहीं होंगे तो गलत है। विमी समांगता का सिद्धांत है कि लेफ्ट हैंड साइड की बीमा हमेशा राइट हैंड साइड की बीमा के बराबर होता है यदि समीकरण सत्य है। तो ये हो गया हमारा पहला। इस प्रकार से हम और आप प्रैक्टिस के लिए किसी भी फार्मूला को ले लेंगे और उसको आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। ये हो गया हमारा पहला एप्लीकेशन। इसके बाद सेकंड एप्लीकेशन अपन देखते हैं, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, मतलब सूत्र स्थापित करना। अभी हमने सूत्र के सत्यता का जांच किया है कि सूत्र सही है कि नहीं, अब क्या है उसकी स्थापना करना, मतलब उसमें संबंध स्थापित करना। तो सेकंड एप्लीकेशन है भौतिक राशियों में, जो भौतिक राशि हमारे पास होती हैं उनमें संबंध स्थापित करना, भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, दैट मीन्स इसको हम क्या कहते हैं सूत्र, सूत्र स्थापित करना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, सपोज मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूँ, यह क्वेश्चन में क्या देगा कि कोई एक भौतिक राशि और अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो आप उनमें संबंध स्थापित कीजिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि सरल लोलक आगे आप पढ़ोगे, देखो इस चैप्टर में क्या होता है, बहुत से टर्म्स ऐसे यूज होते हैं जो भी आप पढ़े नहीं हो लेकिन बाद में पढ़ोगे। तो सरल लोलक ये एक पेंडुलम होता है, और सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई, इसकी जो प्रभावकारी लंबाई है
जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं वह उसके सरल लोलक, एक मिनट ये क्वेश्चन ऐसा लिख दूं मैं, सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल जिसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं वह लोलक की लंबाई, लंबाई इसको एल से प्रदर्शित करते हैं तथा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण स्माल जी पर निर्भर करता है। ये एक क्वेश्चन है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वह लोलक की लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है, तो उसमें आप संबंध स्थापित कीजिए, ऐसा आपके पास क्वेश्चन। अब ये तीनों भौतिक राशि में हमको क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका ये है कि कौन सी भौतिक राशि किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना कि जो भौतिक राशि जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करता है, तो जो निर्भर करता है उसको बाएं तरफ लिखना है। जैसे कौन यहाँ निर्भर कर रहा है, आवर्तकाल, तो हमने लिख लिया आवर्तकाल टी, वो अकेले होगा और समानुपात का निशान लगा देंगे। और जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच, दस, बीस, जितना भी हो, उन सभी भौतिक राशियों को बारी बारी से इंटू करके लिखना है। तो आवर्तकाल किस किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर निर्भर करता है तो एल लिख लिए, और किस पर करता है जी तो जी लिख लिए, और किसी पर करता तो क्रमशः उसको लिखते जाते वन बाई वन इंटू करके। इसके बाद आप ध्यान रखना इन भौतिक राशियों में हमको घात लगाना है, तो ए का घात ए लिख लिए और जी का घात बी, इसमें कोई घात नहीं लगाना है, ये हम लिख लिए। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो आपको लिखना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भौतिक राशि निर्भर करेगा उसको बाएं तरफ लिखेंगे, और जिन जिन भौतिक राशियों पर निर्भर करेगा उनको दाएं तरफ लिखेंगे, और सबको इनटू के फॉर्म में, चाहे जितने भी हों, और सब के ऊपर हम घात लगाते जाएंगे, ए बी और होता तो सी डी, ऐसा लगाते जाएंगे। क्लियर। ऐसा करने के बाद इसको थोड़ा साल्व करते हैं, तो टी और इक्वल के साइन को समानुपात के निशान को बराबर में बदलेंगे, तो एक नियतांक का गुणा करेंगे, वो नियतांक मान लो के है, तो एल का घात ए, जी का घात डी, इसको दे दिए रिलेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भौतिक राशि यहाँ पर उपयोग में लाए हैं सबकी बीमा लिखेंगे, जैसे हमने अभी लिखा था। तो सबसे पहले किसकी बीमा, टी की बीमा। अब हमको पता है टी समय है, तो टी की बीमा एम टू दी पावर जीरो, एल टू दी पावर जीरो और टी, ये हो गया। फिर क्या यूज किया, एल, एल लंबाई है, तो लंबाई की बीमा, लंबाई की बीमा इक्वल टू एम जीरो एल टी का घात जीरो, ये हो जाएगा। उसके बाद जी गुरुत्वीय त्वरण है, तो जी की बीमा, गुरुत्वीय त्वरण है जी की बीमा, ये कितना हो जाएगा, एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू, इस प्रकार से हो जाएगा। क्लियर। अब इन भौतिक राशियों के बीमा को समीकरण एक में रखना है, इसलिए एक से ये सब में इसका मान को रख देंगे, तो टी की बीमा बाएं तरफ, टी का बीमा हो जाएगा एम का घात जीरो एल का घात जीरो टी इक्वल के नियतांक, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एल की बीमा क्या है, ये है, तो एम जीरो एल टी का घात जीरो, इसका घात क्या है ए, मतलब हमने एल के जगह एल की बीमा लिख दिया। अब जी की जगह जी की बीमा लिखेंगे, तो जी की बीमा ये है, ये हो जाएगा एम जीरो एल टी टू दी पावर माइनस टू का घात बी। दैट इम्प्लाइज, अब आगे इसको हम सॉल्व कर लें, तो एम जीरो एल जीरो टी इक्वल, अब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो घात आपस में जुड़ेंगे, तो यहाँ पर m का घात 0 इंटू ए जीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 इंटू बी जीरो, तो m का घात क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। इसके बाद l का घात आप देखो, तो l का घात यहाँ पर a होगा और l का घात यहाँ पर b, और यहाँ गुणा है तो घात आपस में जुड़ जाएंगे, l का घात हो जाएगा a प्लस बी, और इंटू टी यहाँ पर समय है, तो t का घात यहाँ पर 0 है, t का घात माइनस टू बी, तो माइनस टू बी, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए विमीय समांगता के सिद्धांत से यहाँ पर कि बाएं पक्ष में m का जो घात है और दाएं पक्ष में m का घात दोनों आपस में बराबर होंगे, तो यह तो जीरो है, ऑलरेडी बराबर है। उसी प्रकार से l का घात l के घात के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे m l तथा t के घातों की तुलना, इनके घातों की क्या करेंगे अपन, तुलना करेंगे,
तुलना करने पर, तो m को लिखने की जरूरत नहीं, l को लिखेंगे तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, शून्य। यहाँ पर a प्लस बी है l का घात, यहाँ पर l का घात कितना है, जीरो है। t का घात यहाँ पर माइनस टू बी, तो माइनस टू बी इक्वल यहाँ पर t का घात क्या है, एक है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करके, इन दोनों को हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से सीधा मान निकल जाता है, दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू माइनस टू, उधर पक्षांतर कर दें तो माइनस वन पॉइंट टू, बी का मान माइनस वन पॉइंट टू हो गया। अब यहाँ पर उस मान को भर दें इस समीकरण में, इस समीकरण में उसके मान को भर दें, किसका मान को, b को, तो क्या हो जाएगा, a माइनस वन पॉइंट टू इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज को ट्रांसफर कर दें तो a इक्वल टू वन पॉइंट टू, एक घात एक बटे दो मिल जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप यहाँ पर देखो a और b का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इनको, इन दोनों मानों को हम समीकरण एक में रख देंगे, संबंध एक में, तो इसलिए इसलिए एक से एक में इन मानों को रख दें तो t का वैल्यू, t इक्वल टू k इंटू एल का घात, एल का घात a, जिसको हमने निकाला है क्या, एक बटे दो, तो t एल का घात एक बटे दो और g का घात ऋण एक बटे दो, इस तरह से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज t इक्वल टू k एल का घात एक बटे दो, और ये नीचे चला आएगा तो इसका घात धन हो जाएगा। अब दोनों के घात एक बटे दो हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंबाइन करके एक साथ अंडर रूट के अंदर लिख सकते हैं, एल अपान जी। ये सरल लोलक के दोलन काल का फार्मूला है, इसको आगे चल के हम दोलन के चैप्टर में सब पढ़ेंगे, लेकिन ये चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन है। एक्चुअल में मापन का जो चैप्टर है, पूरे 11th और 12th क्लास में जो आप फिजिक्स पढ़ेंगे उनका एक बार पहले से सब भौतिक राशियों का यहाँ पर डिस्कशन हो जाता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, के जो नियतांक है इसका मान यहाँ पर नहीं निकल पाया, तो ये एक विमी समीकरण के अनुप्रयोग का एक लिमिटेशन है, एक सीमा है कि हम इसमें भौतिक राशियों में संबंध तो स्थापित कर पाते हैं, लेकिन भौतिक राशियों को संबंध स्थापित करने पर जो नियतांक आते हैं उनका मान हम नहीं बताते, क्योंकि वास्तव में k का जो वैल्यू है वो वास्तव में 2 पाई होता है। आप जब उसको पढ़ेंगे तो t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ k पा रहे हैं, 2 पाई हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि विमी समीकरण का क्या लिमिटेशन है, उसकी क्या सीमाएँ हैं, तो आप यहाँ पर यह बता सकेंगे कि विमी सूत्र की सहायता से भौतिक राशियों में हम संबंध तो स्थापित कर लेते हैं, लेकिन उसमें जो नियतांक आता है उसका मान हम नहीं बता पाते। एक प्रकार से इसका दोष है ये कि हम इसे कंप्लीट वर्क नहीं कर पाते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं एग्जांपल के रूप में दिया आपको, इस तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन इस पैटर्न पर देखिए। फिजिक्स में एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि यदि आपका प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, फिजिक्स कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड सब्जेक्ट है, ये कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही, जैसे ये आपको समझ में आ गया, तो ऐसे आप बहुत से एग्जांपल को अपने से कर सकेंगे, और ये आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्रैक्टिस करिए। क्लियर, बाकी इस पर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो, उसके लिए आप मेरा न्यूमेरिकल्स का जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो कंसल्ट करेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड एप्लीकेशन, क्लियर। नाउ थर्ड एप्लीकेशन, तीसरा अनुप्रयोग। तीसरे अनुप्रयोग में हम पढ़ेंगे कि मात्रक का जो पद्धति है उसको चेंज करना, जैसे CGS को MKS में, MKS को CGS में, या FPS में, ये हमको चेंज करना कि किस प्रकार से हम एक मात्रक को दूसरे मात्रक में परिवर्तित कर सकते हैं। क्लियर, तो तीसरा इसका महत्वपूर्ण प्रयोग है मात्रकों की पद्धति परिवर्तित करना या बदलना। उसके सिस्टम को चेंज करना, ठीक है, पद्धति की इस प्रकार लिखेंगे ना, ये पद्धति सिस्टम को चेंज करना उसका। तो सिस्टम चेंज करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने बचपन में तैयार किया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, कैसे पता चला आपको, ठीक है, या 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, इस प्रकार से भौतिक, तो बहुत छोटी चीज़ें हैं जिसको हमने याद कर लिया,
तो एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना, तो एक मात्रक को या मात्रकों की पद्धति चेंज करना कर सकते हैं इसको, एक मात्रक को दूसरे मात्रक में बदलना। तो इसके लिए एक फार्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसका जो सूत्र है वो है एन टू इक्वल टू एन वन अंडर ब्रैकेट एल वन अपॉन एल, पहले एम लिख लीजिए, एम वन अपॉन एम टू और इसका घात ए मास, इसके बाद m के बाद l, वैसे आगे पीछे लिखने से भी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका घात b और तीसरा लिख लीजिए t1 अपॉन t2 इसका घात c। यह एक फार्मूला है और हम इस फार्मूला की सहायता से एक पद्धति को दूसरे पद्धति में चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानना जरूरी है कि ध्यान रखना आप कि यहाँ n1 n1 m1 l1 तथा ये T1 ये क्या है, दिया गया मात्रक है, ध्यान रखना दिया गया मात्रक है ये, और 2 n2 m2 l2 तथा T2 ये क्या है, परिवर्तित करने वाला माध्यम है, परिवर्तन जिसमें हमको करना है, मतलब 1 1 वाले जो वैल्यू हैं वो हमको गिवन है, हमको क्वेश्चन में दिया गया है, और 2 2 जो वाले हैं उसमें हमको बदलना है, उसमें हमको परिवर्तित करना है। ये इसके फार्मूला का पहले लर्न कर लीजिए। अब एक एग्जांपल बताता हूँ, इसमें मैं आपको क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखते हैं अपन कि एक न्यूटन बराबर, एक न्यूटन बराबर एक क्वेश्चन मार्क है कितना डाइन या डाइन, न्यूटन को डाइन में चेंज करना है। आपको पता है कि न्यूटन क्या है, बल का मात्रक है, किसमें, एम के एस में, ये हमको मालूम है, न्यूटन बल का मात्रक है एम के एस में, और डायन भी क्या है, बल का मात्रक है लेकिन किसमें, सी जी एस में। तो हमारा क्वेश्चन है कि हम एक न्यूटन बराबर कितना डायन होता है ये निकाल के बताएं इसकी सहायता से। तो ये है तीसरा इसका एप्लीकेशन। अब इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो भौतिक राशि हमको दिया गया होता है क्वेश्चन में, उसकी हम विमा लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे बल की विमा। तो बल की विमा आपको याद रहना चाहिए, या आप, मैंने पहले वीडियो में मैं आपको बात बता चुका हूँ कि यदि आपको भौतिक राशि के विमाओं का ज्ञान नहीं होगा, यदि आप उसको याद नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर अटक जाएंगे, इसके बाद कहाँ सॉल्व कर पाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन में आया कि एक न्यूटन को डायन में बदलिए, अब आपको बल की विमा नहीं पता तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसीलिए विमा को आपको याद करना जरूरी है। तो बल की विमा होता है एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, ये बल की विमा है जिसको आपको याद करके रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एम का जो घात होगा वो ए का मान होगा, अभी मैंने बताया एम का घात ए, एल का घात बी और टी का घात सी। तो एम का घात यहाँ पर कितना है, वन, तो यहाँ ए बराबर वन हो गया, एल का घात भी वन है तो बी का मान भी कितना हो गया, वन, और सी का मान कितना हो गया, माइनस टू। तो यहाँ आपको डिसाइड कर लेना है ए बी सी का वैल्यू, इसके बाद इस सूत्र का उपयोग करना है आपको इसको। तो मैंने यहाँ पर लिखा है ये वन 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 दिया गया मात्रक है, दिया गया मात्रक क्या है आपको, बल, ये दिया गया मात्रक है, ये ज्ञात करने वाला मात्रक है। तो दिए गए मात्रक को आप किस में लिखोगे, एम के एस में लिखोगे, ठीक है। तो एन टू तो ज्ञात करने वाला मात्रक है, एन टू एन वन को भी एन वन लिखिए। अब यहीं पर ध्यान दे रहे ना, थोड़ा स्पेशल केयर कर रहे हैं यहाँ पर, वन क्या है, दिया गया मात्रक जो कि एम के एस में है, तो एम मास है, और मास का एम के एस में मात्रक क्या होता है, के जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे वन के जी, और नीचे में क्या है, एम टू परिवर्तित, तो परिवर्तित किस में करना है आपको, सी जी एस में। तो सी जी एस में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे वन ग्राम। ये यहाँ पर आप यदि उल्टा लिख लिए तो पूरा काम उल्टा हो जाएगा, तो ध्यान में रखना अंश में आपको दिए गए मात्रक को लिखना है और हर में आपको ज्ञात करने वाले मात्रक को लिखना है। अब इसका घात कितना है, ए, और ए का मान अपने पास कितना है, वन है, तो इसको वन रहने दीजिए ये। इसके बाद फिर क्या है, लंबाई, तो वन मीटर अपॉन वन सेंटीमीटर, बी का मान भी एक, इसके बाद वन सेकंड अपॉन वन सेकंड और घात माइनस टू। इस प्रकार से हम इस मान को यहाँ पर भर देंगे, दैट इक्वल, अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा n1 इक्वल, अब किलोग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो
1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम और बटे 1 ही रहेगा, घात 1 का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर, 100/1, और यहाँ पर 1/1 तो 1/1 का तो कोई मतलब नहीं, 1/1 एक आएगा और 1 का घात कुछ भी हो 1 ही होगा, तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। That equal n1, अब इसको हम लिख सकते हैं 10^3 और इसको लिख सकते हैं 10^2, That equal n1 into 10^5। अब हमको क्वेश्चन में कितना पूछा है, 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन पूछा है अपने को, तो इसका मान 1 भर देंगे, यदि 2 न्यूटन बोला होता तो 2 भरते, 3 न्यूटन बोलता तो 3 भरते, तो दैट इम्प्लाइज अब यहाँ पर हो जाएगा n2 इक्वल टू 10^5, अभी हो जाएगा डाइन। इस प्रकार से क्या हमको पता चलता है, 1 न्यूटन बराबर होता है 10^5 डाइन। तो ये आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि बहुत आराम से मैं एक एप्लीकेशन को आपको समझा रहा हूँ, यदि ये आपको समझ में आ गया तो ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि दिया गया मात्रक किसका है, तो बल का है। अब उसका आपको विमा लिखना है, विमा लिखने से आपको ABC का मान पता चल जाएगा। इसके बाद ये सूत्र आप याद करके रखेंगे, इसको यूज़ करना है, बस यहाँ पर केयर आपको ये करना है कि अंश में सब दिए गए मात्रक को लिखना है और हर में आपको जिनको ज्ञात करना है उन मात्रकों को लिखेंगे। क्लियर, ये हो गया थर्ड एप्लीकेशन। और फोर्थ नंबर का इसका जो एप्लीकेशन है वो बहुत ही आसान है और एक लाइन का है। वैसे फोर्थ एप्लीकेशन ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है। देखिए, आपको विमा के बारे में पहले से पता है कि हम विमा निकाले कैसे थे, हमारे फर्स्ट पार्ट में आपने मापन के फर्स्ट पार्ट में पढ़ा कि हम विमा निकाले कैसे थे। हम लोगों ने विमा निकाला था किसकी सहायता से, सूत्र की सहायता से। और यहाँ पर हमारा जो चौथा एप्लीकेशन है वो ये कहता है कि हम विमा की सहायता से, विमा की सहायता से सूत्र का पता करेंगे, भौतिक राशि के फार्मूला उल्टा काम करेंगे। हम सूत्र से विमा ज्ञात किए थे, अब विमा से सूत्र ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ, मान लो हम यहाँ पर एक कोई भी एक विमा लिख दें, सपोज मान लो बल कहीं लिख दिया MLT^-2। क्लियर, या ठीक है, ये कीजिए, एग्जाम्पल बता देता हूँ, इसका यूज़ किया है भी अपन। अब आपको ये बताना है कि इसकी सहायता से इसके सूत्र को बताना है आपको, कि एक सूत्र बताओ कि यह विमा किस सूत्र से बना है या किस सूत्र का विमा है। तो आप क्या लिखोगे, देखो आप इसको पहचानोगे कि इसको पहचान लोगे आके द्रव्यमान है, तो शब्दों में उसको लिख दिया अपन क्या, द्रव्यमान। फिर आप पहचान लोगे गुणित, इसको पहचानोगे तो आपको याद रहेगा कि यह त्वरण का विमा है। मैंने कुल मिला के चौथा एप्लीकेशन ऐसे है, कुछ नहीं इसमें, इसको आप लिख लोगे त्वरण। अब आप देखोगे कि द्रव्यमान गुणित त्वरण कहाँ आता है, तो निश्चित रूप से पता है आपको किस कि हाँ आता है, बल आता है। तो आपको सूत्र का पता चल गया, क्या पता चल गया कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो अभी हमने बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण से ही तो ये निकाला था। तो चौथा एप्लीकेशन क्या कहता है कि यदि हमको कोई विमीय सूत्र पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि भौतिक राशि में संबंध क्या है या भौतिक राशि का सूत्र क्या है। तो ये चार एप्लीकेशन इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये चारों एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, मतलब विमीय समीकरण का जो यूज़ है कि कैसे यूज़ करना है। इसके बाद इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है, वह है त्रुटियाँ, एरर। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, न्यूमेरिकल्स के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक फंडामेंटल, और बाद में आप मेरे न्यूमेरिकल्स के वीडियो में उसके में बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में IIT JEE NEET में उससे क्वेश्चन आता ही है मान के चलिए। तो वो न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा। देखिए, फिजिक्स तैयार करने का 2 स्टेप है, मैं बार बार आपसे डिस्कस करता हूँ। पहले आप चैप्टर को अच्छे से समझिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, चैप्टर में जितने फार्मूले यूज होते हैं उनको लर्न कीजिए, और सेकंड पार्ट होता है इसका न्यूमेरिकल्स। तो पहला पार्ट यदि आप ढंग से समझे हैं तो सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। क्लियर, तो हम पढ़ेंगे त्रुटियां
एरर। और उनका संयोजन, त्रुटियों का क्या मतलब होता होगा? त्रुटि कहाँ होते हैं? जहाँ हम कोई वर्क करते हैं, कोई कार्य करते हैं। तो फिजिक्स में त्रुटियों का मतलब क्या है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग करने के दौरान हम डिवाइस यूज़ करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट्स में हम कुछ गलतियाँ कर डालते हैं, वो त्रुटि है। तो इनका कारण क्या क्या हो सकता है? इनके बहुत से कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि हमको प्रॉपर जानकारी ना हो, नॉलेज ना हो, मानवीय त्रुटि जिसको बोलते हैं। तो मान लो हम कोई एक्सपेरिमेंट किया और मेरे को ढंग से उस एक्सपेरिमेंट को करना नहीं आता, तो मैं तो मिस्टेक कर लूँगा, ये हो इंस्ट्रूमेंटल एरर। यांत्रिक त्रुटि, हमारा उपकरण ही खराब हो, मान लो उपकरण डैमेज हो गया है, या उसको प्रॉपर नहीं बनाया गया है, या उसमें रीडिंग ढंग से नहीं लिखा गया है। इस प्रकार से बहुत प्रकार के त्रुटि हमारे से हो सकता है। तो यहाँ पर हम उसके थ्योरेटिकल टॉपिक पर डिस्कस नहीं करेंगे कि त्रुटियों को कितने प्रकार, उसको कैसे करते हैं, क्या ये मत नहीं है, आप उसको थ्योरीज पढ़ लें। यहाँ हम पढ़ेंगे उसका संयोजन, मतलब मैथमेटिकल पोर्शन को पढ़ेंगे कि मान लो हमसे त्रुटि हो जाता है तो उसका हम संयोजन कैसे करेंगे, त्रुटियाँ और उनका हम क्या करेंगे संयोजन, उसको कॉम्बिनेशन उसका। संयोजन मतलब उसका कॉम्बिनेशन, जब त्रुटि हो जाए तो उसको एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो त्रुटियों को संयोजन करने का हमारे पास पांच तरीका है कि पांच प्रकार की त्रुटि हो सकती है कैसे। तो सबसे पहले देखिए योग के रूप में, यदि योग के रूप में मतलब एडिशन, यदि एडिशन के फॉर्म में हमसे त्रुटि हो जाए तो किस प्रकार से उसका समायोजन करेंगे, कैसे है, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल समझा दूं। मान लो मेरे पास ये ए बी एक लाइन है, अब मेरे को इसका वर्क दिया गया कि इसका मेरे को लेंथ मेजरमेंट करके बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। तो सपोज इसको दो दो पार्ट है, सपोज ये बी और सी, मेरे पास एक छोटा स्केल है, तो सबसे पहले मैं ए बी को मापूंगा। अब ए बी को मापने में मैं कुछ त्रुटि कर लिया, मान लो ये 3 सेंटीमीटर है लेकिन मैं बता दिया 3.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 सेंटीमीटर का मैं त्रुटि कर लिया। अब बी सी को मुझे मेजरमेंट करना है, मान लो 5 सेंटीमीटर है, इसको मैं 5.2 माप लिया यहाँ 0.2 का, तो टोटल जब मैं इसको टोटल त्रुटि बताऊंगा तो दोनों त्रुटियों का क्या करना पड़ेगा, मुझे योग करना पड़ेगा क्योंकि मैंने दो बार वर्क किया है। तो सबसे पहले योग के रूप में, और उसी प्रकार से अंतर के रूप में, ठीक है। तो योग या अंतर को हम एक साथ पढ़ लेते हैं, योग या अंतर के रूप में, दोनों को एक साथ पढ़ा जा सकता है योग या अंतर के रूप में। तो कैसे देखिए, मान लो हमारे पास शुद्ध मान है जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस बी, जेड शुद्ध मान है, तो पहला रीडिंग का शुद्ध मान ए है, दूसरा रीडिंग का शुद्ध मान क्या है बी है। अब मान लो हमने उसमें कुछ मिस्टेक कर लिया, तो यह हो जाएगा जेड प्लस डेल जेड, यह त्रुटि है, इतना हमने उसमें त्रुटि कर लिया। तो बराबर अब ये क्या है, ए को जैसे मैंने आपको बताया कि पहली लंबाई का मेजरमेंट किया, तो पहली लंबाई की मेजरमेंट में सपोज ए प्लस माइनस डेल ए की त्रुटि, प्लस माइनस हम यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम एक्चुअल रीडिंग से ज़्यादा भी बता सकते हैं, जैसे 3 सेंटीमीटर है तो मैं 3.1 बताया, हो सकता है मैं 2.9 भी बता देता, तो ज़्यादा भी बता सकते हैं और कम भी बता सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस यूज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर भी प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल बी, मतलब पहली में हमने डेल ए की त्रुटि किया और दूसरे रीडिंग में किस किया डेल बी का त्रुटि किया, दैट इम्प्लाइज आगे इसको एडजस्टमेंट करें तो जेड, यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख सकते हैं अपन, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल ए, ए को एक साथ लिख सकते हैं, तो ए प्लस माइनस बी को, ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस डेल ए, प्लस माइनस का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, ये हो जाएगा दैट इम्प्लाइज। अब दोनों साइड को देखिए, ये जेड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हमने जेड बराबर माना है ए प्लस माइनस बी, तो जेड इसके बराबर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इम्प्लाइज डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी। इस प्रकार से ये फार्मूला क्या कहता है कि यदि हम दो या दो से अधिक रीडिंग लें और हर रीडिंग में हम यदि कोई त्रुटि करें तो त्रुटियों को सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है या तो घटा दिया जाता है, और यदि अपने को अधिकतम त्रुटि चाहिए
जैसे प्रश्न में आता है कि अधिकतम त्रुटि कितनी हो सकती है, तब हम योग करेंगे और न्यूनतम त्रुटि में क्या करेंगे, माइनस। यह तो बहुत आसान है, पहले वाले फार्मूला में कुछ भी नहीं है। इसके बाद सेकंड फार्मूला है गुणा पर, कि यदि गुणा करना हो, जैसे हम कोई मेजरमेंट कर रहे हैं और हमको किसका जरूरत पड़ गया, गुणा का जरूरत पड़ गया, तो सेकंड गुणा मल्टीप्लीकेशन गुणा में किस प्रकार से त्रुटि हो सकता है। फॉर एग्जांपल सपोज मेरे को ये कोई आयत है और इस आयत का लंबाई दिया हुआ है ए और चौड़ाई दिया हुआ है बी। अब मैं इसको मापा तो मैं लंबाई मेजरमेंट करने में सपोज डेल ए की त्रुटि कर लिया और चौड़ाई मेजरमेंट करने में मैं डेल बी त्रुटि कर लिया, मतलब मुझे मापना था ए लेकिन उसमें मैं डेल ए कमी या वृद्धि कर डाला प्लस माइनस, और बी को मैंने प्लस माइनस, तो जब टोटल इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो कितना त्रुटि कर लूंगा। तो यहाँ तो हम सीधा सीधा माप रहे थे तो हम उसको जोड़ दिए, लेकिन क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमको ये सीखना है कि जब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, जब त्रुटि को मल्टीप्लाई क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई, या मुझे आयतन निकालना हो किसी घन या घनाभ का तो लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी क्षेत्रफल, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई करना पड़ेगा। इस तरह से यदि हम गुणा के रूप में त्रुटि को समायोजन करें तो कैसे करेंगे, ये आपको मैं समझा रहा हूँ। देखिए तो सबसे पहले चूंकि क्षेत्रफल निकालेंगे अपन तो जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंबाई गुणी चौड़ाई, ये शुद्ध मान है, हमने सबसे पहले प्योर वैल्यू लिख लिया। दैट इंप्लाइज अब इसमें त्रुटि हो गया तो जेड प्लस माइनस डेल जेड ये इक्वल ए का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस डेल ए, ये उसकी त्रुटि सहित हो गया, यहाँ शुद्ध है यहाँ त्रुटि सहित है, और अब इनटू इसके साथ गुणा हो जाएगा बी प्लस माइनस डेल बी, ये हो गया। दैट इंप्लाइज जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल, अब इसका दोनों को गुणा करते हैं तो पहले इसका इसके साथ गुणा करता हूँ मैं, ये हो जाएगा ए इंटू बी, फिर इसके साथ गुणा होगा तो प्लस माइनस ए इंटू डेल बी, और इसका इसके साथ तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए इंटू बी, और इसका इसके साथ गुणा होगा तो प्लस माइनस डेल ए डेल बी, ये हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज जेड प्लस माइनस जेड इक्वल, यहाँ पर देखिए यहाँ इसी लाइन में देखिए जेड ए बी के साथ में कैंसिल हो जाएगा क्योंकि जेड ए बी के बराबर है, और डेल ए इंटू डेल बी अत्यंत छोटी राशि है क्योंकि त्रुटि बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं कि 2 सेंटीमीटर का हम लंबाई मापना है और हम उसको 5 सेंटीमीटर, ऐसा त्रुटि तो पॉसिबल नहीं है। त्रुटि मतलब छोटा सा मिस्टेक होगा, 2 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर मापना त्रुटि नहीं है, फिर तो हमको आता ही नहीं कुछ, जीरो, तो त्रुटि तो बहुत कम होगा। तो ये एक बहुत छोटी राशि होगी और दूसरी भी बहुत छोटी राशि होगी, दो छोटी राशियों का, जैसे कई बार स्टूडेंट थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं कि सर गुणा में छोटा कैसे हो गया, 1/5 में मैं 1/10 का गुणा करूंगा तो 1/50 आ जाएगा, देखो और छोटा हो गया वो। तो दो छोटी राशियों का जब गुणा होता है तो राशि और बहुत छोटी हो जाती है, तो इसका क्या होता है, हम दोनों को नेग्लिजिबल मान लिए तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, देयरफॉर डेल जेड इक्वल, ये डेल जेड इक्वल टू ये मिलेगा ए इंटू डेल बी प्लस माइनस बी इंटू डेल बी, किसी को आगे किसी को पीछे लिखा जा सकता है। दैट इंप्लाइज अब इस पूरे समीकरण में हम क्या है, जेड का भाग करते हैं, तो जेड का भाग करेंगे तो हो जाएगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, यहाँ जेड का भाग करेंगे ए इंटू डेल बी अपॉन जेड, और यहाँ पर देखिए जेड का मान कितना है, ए इंटू बी, तो हो जाएगा ए बी प्लस माइनस बी इंटू डेल बी अपॉन ए बी। दैट इम्प्लाइज डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, ए बी के साथ ए कटेगा तो हो जाएगा डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस, यहाँ से बी बी के साथ कटेगा तो डेल बी यहाँ पर हो गया डेल बी अपॉन बी, ए इंटू डेल बी बी इंटू, यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था ना मैं, ए इंटू डेल बी और डेल ए, ए इंटू डेल बी और यह है डेल ए इंटू बी, डेल ए इंटू बी, डेल ए इंटू बी, बी बी कटेगा तो यहाँ पर बचेगा क्या, डेल ए अपॉन ए,
इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, दैट इंप्लाइज इसको लिख दें डेल जेड अपॉन जेड, इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, तो डेल ए, इसके सामने भी प्लस माइनस है, तो डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस। देखो यहाँ प्लस माइनस में आप कंफ्यूज मत होना, प्लस माइनस का मतलब मैक्सिमम इधर मिनिमम इधर, अधिकतम त्रुटि न्यूनतम त्रुटि, ये है इसका फाइनल इक्वेशन। अब ये फार्मूला सब मैं आपको न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तभी इसका एप्लीकेशन। एक बात आपको बार बार मैं याद दिला रहा हूँ कि बाद में जब आप मेरे न्यूमेरिकल्स के वीडियो कंसल्ट करेंगे तो ये सब चीज़ क्लियर रहेगा, तभी न्यूमेरिकल समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आने वाला है। इसलिए आप इसको ढंग से समझिए, इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, खासकर एक गुणा वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया, यदि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में गुणा हो रहा हो तो गुणा के कंडीशन में क्या होता है, त्रुटि इस प्रकार से एडजस्ट किया जाता है। सपोज इसको मैं बहुत ब्रॉड सेंस में लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं डेल जेड अपॉन जेड। अब बहुत सारी भौतिक राशियों में गुणा हो रहा है, मान लो आयतन निकालना है, तो ऐसा होगा, देखिए डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल सी अपॉन सी एंड सो ऑन, जितनी भौतिक राशियों का गुणा होगा वो सब के इस प्रकार से एड हो जाएंगे। तो ये है गुणा में त्रुटियों का संयोजन। अब हम देखते हैं भाग में, यदि डिवाइड हो भाग हो तो किस प्रकार से उसका संयोजन किया जाता है। क्लियर, भाग में डिवीजन किस प्रकार से, भाग में किस प्रकार से होता है, देखिए सपोज हमको भाग देने की जरूरत पड़ा तो चूंकि z इक्वल टू हमने सपोज कर लिया a अपॉन b, इसी की तरह बनेगा वो भी, जैसे अभी a इंटू बी था वो a अपॉन b हो गया, दैट इम्प्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू ये हो जाएगा a प्लस माइनस डेल a अपॉन b प्लस माइनस डेल b, ये हो गया, दैट इम्प्लाइज z प्लस माइनस डेल जेड इक्वल, ये दोनों में से मैं ए को कॉमन करता हूँ तो ए को ऊपर कॉमन करूँ तो इसमें भाग होगा तो क्या बच जाएगा वन, प्लस माइनस इसमें डिवाइड होगा तो हो जाएगा डेल ए अपॉन ए, क्योंकि जिसका हम कॉमन लेते हैं उसका सब में भाग देते हैं। यहाँ पर मैं बी को कॉमन करूँ तो वन प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए यहाँ पर। अब देखिए दैट इम्प्लाइज यहाँ पर ए बी अपान ए अपान बी को क्या लिख सकते हैं, अपन जेड लिख सकते हैं, तो जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ये जेड हो गया, क्योंकि हमको पता है अपान बी क्या होता है, जेड होता है, और इसको हम ले जाते हैं अंश में तो इसका घात एक है, अंश में जाकर वहाँ पर पावर माइनस वन हो जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं वन प्लस माइनस डेल ए अपान ए इन टू वो अंश में जाएगा तो वो हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल बी अपान बी टू दी पावर माइनस वन। क्लियर, दैट इंप्लाइज जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल, यहां पर देखिए ये पूरे समीकरण में हम जेड का भाग दे देते हैं, यहीं पर हम पूरे समीकरण में जेड का भाग दे देते हैं, तो जेड का इसमें भाग दे गए तो क्या बन जाएगा वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, इसमें जेड का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, या सब में जेड का भाग देंगे बोले या इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, मतलब एक ही है, ये हो जाएगा, और इसके बाद ये दोनों ब्रैकेट को आपस में अच्छा बाद में करेंगे वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। अब यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय लगाएंगे तो फिर वही, अब बात मैं आपको दोहराऊंगा जो अपने फर्स्ट वीडियो में बोला था कि यदि आपने मेरे गणितीय अवधारणा का बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो नहीं देखा है तो फिजिक्स पढ़ने के पहले प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वो पांच वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, उसमें मेरा पहला ही वीडियो है द्विपद प्रमेय जिसका मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यदि आपका बेसिक मैथमेटिकल प्रॉपर नहीं है, अच्छे से आपने नहीं किया है तो आपको फिजिक्स पढ़ने में फारे बार आपको प्रॉब्लम आएगी, इलेवंथ प्रॉब्लम आएगा, ट्वेल्थ में प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम बना ही रहेगा। इसलिए पहली आपकी जिम्मेदारी है कि फिजिक्स पढ़ने से पहले आप सबसे पहले गणितीय अवधारणा जिसको मैंने मैथमेटिकल टूल्स करके वीडियो बनाया है उसको आप देखेंगे तो इंग्लिश मीडियम है मत समझेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई मीडियम नहीं है, वहाँ पर आपको मैथ समझ में आना चाहिए, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम और हिंदी में द्विपद प्रमेय, तो वहाँ देख लीजिए, अदरवाइज ऐसे जगहों में आपको प्रॉब्लम आएगा।
तो वहां पर द्विपद प्रमेय से क्या होता है, ये जो माइनस वन है उसका सामने आके मल्टीप्लाई हो जाता है। वहां पढ़ेंगे तो वहां मैं बताया हूँ कि किस तरह से होता है। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा वन, और प्लस माइनस का तो कुछ होना नहीं है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा, और डेल बी अपॉन बी इस तरह से हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज आगे हम सॉल्व करें तो वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, इसका अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ वन का, तो वन माइनस प्लस डेल बी अपॉन बी, इसके बाद इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस ही होगा, और डेल ए अपॉन ए इंटू डेल बी अपॉन बी। जैसा मैंने पहले बताया था ये नेग्लिजिबल क्वांटिटी है, उसको हम छोड़ देंगे, और ये वन वन के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो बाएं तरफ बचेगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, दाएं तरफ इसको पहले लिख लेता हूँ, डेल ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल बी अपॉन बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए अभी आपने ध्यान दिया होगा कि मल्टीप्लीकेशन वाले में भी यही फार्मूला आया था, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में फार्मूला सेम होता है। ये आप न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आप इसमें न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं देखेंगे वो थोड़ा आपको डाउट बना रहेगा कि आखिर भाई इसका करेंगे क्या। मैं तो इसमें आपको केवल फार्मूले समझा रहा हूँ, फार्मूला बेसिक फार्मूला पहले तैयार करिए फिर न्यूमेरिकल समझ में आएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का पार्ट है, सॉरी फोर्थ नंबर का संयोजन है, पाँच मैंने बताया था लेकिन योग और अंतर को मैं एक साथ पढ़ा दिया, तो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का है घात, घात पर आधारित, पावर पर। ये लास्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे z इक्वल टू मान लो लिखा है a टू दी पावर n, ये घात पर हो गया, माने जो रीडिंग है उसमें घात n लगा हुआ है, इसलिए यदि इसको हम इधर पर लिखें तो z प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए का मान हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल ए, हमने त्रुटि कर लिया, टू दी पावर एन। दैट इम्प्लाइज जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल, अब यहाँ से मैं ए को कॉमन करता हूँ तो पावर के साथ कॉमन होगा ए टू दी पावर एन, और अंदर दोनों में डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए और पावर एन। दैट इम्प्लाइज पूरे में हम इसका इसको जेड लिख सकते हैं, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ, प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू, हम यहाँ से इसको जेड लिख सकते हैं, और द्विपद प्रमेय यहाँ पर भी लिखाएंगे तो वन प्लस माइनस ये एन का सामने आके गुणा हो जाएगा तो एन डेल ए अपॉन ए ये हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिए जेड को इधर ट्रांसफर करता हूँ तो दोनों में इसका भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा वन प्लस माइनस डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, अंदर बचेगा वन प्लस माइनस एन इंटू डेल ए अपॉन ए। दैट इम्प्लाइज ये वन वन के साथ में कैंसिल हो जाएगा तो अपने को मिलेगा डेल जेड अपॉन जेड इक्वल टू एन इंटू डेल ए अपॉन ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, माने घात वाला जितना क्वेश्चन बनेगा वो इस फार्मूला से बनेगा। यदि इसको मैं ब्रॉड सेंस में लिखूँ तो अतः इसको यदि हम बड़े सेंस में लिखें तो ऐसा लिख सकते हैं, मान लो जेड इक्वल टू हमारे पास ए टू दी पावर पी, बी टू दी पावर क्यू और अपॉन सी टू दी पावर आर है, मान लो इस रूप में है। ये तो मैंने केवल एक नंबर को लेके आपको घात को बताया, सपोज यहाँ तीन नंबर है, ए है, बी है और बटे में सी है, तो ये जो मैं फार्मूला आगे आपको बता रहा हूँ उसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, न्यूमेरिकल से बहुत काम आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कि डेल जेड अपॉन जेड इक्वल, सबसे पहले हम ए के लिए लिखेंगे तो घात सामने आया था, देखो घात सामने आके गुणा हो गया है, तो पी और ए का वैल्यू हम लिखेंगे डेल ए अपॉन ए, इसके बाद प्लस माइनस क्यू, इसका घात सामने आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल बी अपॉन बी, फिर प्लस माइनस ये जो बटे में है वो भी ऊपर जाके प्लस माइनस ही होगा और ये हो जाएगा आर इंटू डेल सी अपॉन सी। तो ब्रॉड सेंस में यदि आप इस फार्मूला को लर्न कर लीजिए तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लियर। तो ये मैंने बताया आपको कि एरर को किस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे उसका कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोजन करते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये इम्पॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट एंड आईआईटी जेई, उसमें इसके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर होते हैं। ये तो आपका बेसिक फंडामेंटल है, आप इसको पढ़ के परेशान मत होना कि हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसको पढ़े बिना आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा।
तो यहाँ पर हमारा मापन का चैप्टर कंप्लीट होता है। मापन का मैंने दो वीडियो बनाया है, पहले पार्ट में मैंने डायमेंशन फार्मूला और सारे सिस्टम CGS MKS FPS के बारे में बताया। सेकंड पार्ट में आपको मैंने बताया इसका डायमेंशन फार्मूला मतलब बीमी समीकरण का अनुप्रयोग और त्रुटियों का संयोजन। इसके बाद आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे और इसका वीडियो आपको जल्दी प्रोवाइड कराएंगे, तो वीडियो से आप क्या है फिर नियमित बस अच्छे से कर लेंगे। ओके, थैंक यू।